फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ रिया और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक ऐसी चीज़ के बारे में जो हमारे शारीरिक और मानसिक विकास के लिए लेना बहुत ज़रूरी है। पर क्यों ज़रूरी है, इसके लिए हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि इससे मिलती है मुझे ढेर सारी इंस्पिरेशन अच्छा अच्छा काम करने की और अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाने की आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। शरीर में ताकत बढ़ाने के लिए आपने अक्सर सुना होगा कि ओमेगा 3 फैटी एसिड युक्त चीज़ें खाएं, पर क्या आप यह जानते हैं कि यह है क्या? वास्तव में ये एक ऐसा पोषक तत्व है जो आपको कई तरह की बीमारियों से बचाता है। सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड 3 टाइप का होता है। पहला होता है अल्फा लिनोलेनिक एसिड, जो पौधों में पाया जाता है। सेकंड टाइप का है डोकोका हेक्सोनोइक एसिड, जो हमें एनिमल से मिलता है। और थर्ड टाइप का जो है वो है इकोसा पेंटेनोइक एसिड, ये भी हमें पशुओं से प्राप्त होता है। अब बात करते हैं कि अगर हम इसको अपने डेली रूटीन में शामिल करते हैं तो हमारे शरीर पर क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो सबसे पहले आपको देखने में मिलेगा, ये हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा है। इसको खाने से स्किन सॉफ्ट होती है, हाइड्रेट रहती है, झुर्रियाँ से दूर रहती है और साथ ही ये हमें सन से भी प्रोटेक्ट करता है। अगर प्रेगनेंसी में इसको हम सेवन करते हैं तो यह होने वाले बच्चे के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। उसके शरीर का और दिमाग का विकास बहुत ढंग से होता है। ये हमारे हार्ट को मजबूत बनाता है और हमारे हार्ट से जुड़ी जितनी भी परेशानियां हैं उसके खतरे को कम करता है। अगर मोटापे से परेशान हैं तो ये फैट को भी कम करता है। ये हमारी आँखों के लिए भी बहुत लाभप्रद है। ये हमारी रेटिना को हेल्दी रखता है और आँखों को कमज़ोर होने से बचाता है। अगर हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है तो इसको सेवन करने से उसमें भी आराम मिलता है। ऑटो इम्यून डिजीज से भी हमें बचाता है, क्योंकि इसमें रोग प्रतिरक्षा शक्ति कमज़ोर हो जाती है, जो शरीर की स्वस्थ कोशिकाओं को नुकसान पहुँचाती है, जिससे पेनक्रियाज में इंसुलिन का प्रोडक्शन रुक जाता है और टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए जिम्मेदार होती है। इसका सेवन करने से डायबिटीज़ के पेशेंट को भी हेल्प मिलती है। ये मस्तिष्क संबंधी बीमारी जैसे अल्जाइमर को भी ठीक करती है और साथ ही अगर आँत संबंधी रोग हैं तो उसमें भी लाभ पहुँचाती है। ये हमें कोलोन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर से भी बचाता है। अगर अस्थमा की प्रॉब्लम है तो उससे भी हमारी ये रक्षा करता है और हमारे लंग्स को मजबूत करता है। अगर लंग्स में इन्फेक्शन है या फिर स्वेलिंग आ गई है तो उसके भी रोकथाम के लिए ये हेल्पफुल है। अगर लीवर फैटी हो गया है तो उसमें भी ये सहायता करता है। अगर हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं या फिर जोड़ों में दर्द रहता है, इसका सेवन करने से हमें इस तरह की परेशानियों में भी बचाव मिलता है। अगर हाई कोलेस्ट्रॉल है तो उसको भी ये रिड्यूस करता है। अब बात करते हैं कि ये किन किन चीज़ों में पाया जाता है। अगर हम वेज की बात करें तो इसका जो मेन सोर्स है वो है अलसी। अलसी में भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। दूसरा रिचेस्ट सोर्स है अखरोट। अखरोट में भी भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। इसके अलावा सरसों के बीज, कद्दू के बीज, सफ़ेद सोयाबीन, काला चना, लाल राजमा, पालक और सहजन की पत्तियों में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है। अगर नॉनवेज की बात करें तो सैल्मन फिश में भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। इसको पाउडर बना के यूज़ कीजिए। आप चाहे इसे सब्जी में डाल के खाएं, चाहे दाल में खाएं, दही में, या फिर आप इसको मॉर्निंग में खाली पेट भी गुनगुने पानी के साथ सेवन कर सकते हैं। इसकी मात्रा एज के हिसाब से हर व्यक्ति में अलग अलग
रहती है। तो ये तो रही ओमेगा 3 फैटी एसिड से संबंधित जानकारी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, और साथ ही शेयर करना मत भूलिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मैं जल्दी ही मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।